ये मेरी फर्स्ट गेम की फर्स्ट लैंडिंग है, सेकंड गेम एंड मेरी फर्स्ट लैंडिंग वापस है, एंड ये थर्ड टाइम जिसमें मेरी फर्स्ट लैंडिंग ऊपर है। इवन दो मेरे को गन भी मिल चुकी है। ऑलराइट, स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। स्पॉन आइलैंड में आते ही फर्स्ट काम आपका होना चाहिए, मैप में जहाँ पे भी आपको स्टील आर्क दिख रहा है उस पे यहाँ पे मार्क करो। लेकिन मार्क यहाँ पे देखो इस तरीके से कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है। तो हमेशा जब भी आपको मार्क करना है ना, तो आपको यहाँ पे पूरा जूम करना है मैप को एंड फिर ही मार्क करना है, जिसे एग्जैक्ट उसी जगह। इतना करने के बाद में आप जैसे यहाँ पे प्लेन पे आओ, तो प्लेन पे आने के बाद बार बार मैप ओपन करके यहाँ पे मार्क मत देखना की कितना मीटर है। बिल्कुल टॉप बॉटम में देखोगे तो आपको यहाँ पे मार्क दिख जाएगा। स्टील आर्क 600-700 मीटर आओ तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, जंप वाले बटन को क्लिक कर देना। आपका प्लेयर कुछ इस तरीके से होना चाहिए एंड आपकी जॉयस्टिक यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। एंड बस आपको क्या करना है, जो किलोमीटर प्रति हावर है ना, इसको ऐसा करोगे तो आप 234 किलोमीटर पर स्पीड से नीचे जाओगे, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट इतना ही रहता है। एंड बस इतने स्टेप फॉलो करने के बाद में इजी पीच सबसे पहले आपकी लैंडिंग होने वाली है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। अब बस इतना ही काम है, गन उठाओ एंड हवा में एनिमीज को मारना चालू कर दो। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब आप एंड में कर सकते हो, जब आप वीडियो एंड तक देखो पसंद आए। 3.2 अपडेट में ये वाली ट्रिक अगर आपने पहले से जान ली तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गेम के अंदर। देखो जब भी आप एनिमीज को नॉक करोगे तो एनिमीज को नॉक करते एनिमीज के नाम के आगे ऐसा सिंबल हो, तो हमेशा याद रखना कि वो वापस रिवाइव हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सरप्राइज भी कर सकता है, तो हमेशा उसको किल कर देना। यार कहने का मतलब ये है कि सेल्फ रिवाइव किट यहाँ पे बहुत यहाँ पे टाइम के बाद में गेम में आया और अपने को इसको आदत नहीं है, तो ये चीजें अगर आप सीख लेते हो, ये ट्रिक जान लेते हो, तो आप पहले से ही पता कर सकते हो कि भाई एनिमीज को कब मारना है। जैसा कि ये देखो, सामने वाला एनिमीज मेरे को नॉक तो कर दिया और फिनिश करना भूल गया और मैं रिवाइव भी हो जाऊंगा और उसको जाके मार भी दूंगा। तो ये वाली चीज आपको पहले पता थी या नहीं, आप जरूर से कमेंट करके बता देना मुझे। 3.2 अपडेट में अगर कोई भी एनिमीज आप यहाँ पे मैग्नेट गन का यूज कर रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे बार बार टैप करना है, फास्टली टैप करना है। जब फास्टली टैप करोगे ना, तभी यहाँ पे देखो उससे छूट पाओगे, वरना तो भाई अगर आप एक बार टैप करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो किल हो जाएंगे। इस अपडेट में ये वाली प्रॉब्लम हर एक बंदे के साथ होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब देखो एक बंदे का यहाँ पे कमेंट है, भाई मेरा डिवाइस में ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देखो जो जेट पैक रहता है ना, इसमें ऊपर जाने का, तो हमेशा आपको कंट्रोल में जाना है। एंड यहाँ पे देखो आपका जो जंप वाला बटन है ना, यही बटन है अब वाला, जंप वाले बटन की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लेनी। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप इसको भी यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो एंड स्पीड वाले को, एंड यहाँ पे देख सकते हो अब आप अप वाले बटन को देख भी सकते हो एंड ऊपर नीचे आप जैसा लेके जा सकते हो। जंप वाला बटन है को आपको विजिबल करना है। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी, एक लाइक करके आप बता सकते हो, तो जरूर से बता दो यार। अनलिमिटेड हेल्थ ट्रिक भाई साहब, अब देखो आपको जो यहाँ पे देखो स्टील आर के दोनों साइड यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने को मिलते हैं, आपने मेरे और वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको भाई अनलिमिटेड हैकर वाली ग्लिच हो जाएगी। अब गेट इन करना है, गेट इन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब एनिमीज आप पे कितना ही फायर कर ले, कितना ही पास में जाके, दूर पे जाके या कहीं से भी फायर कर ले, आपको 1% का डैमेज नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हो एनिमीज हर यहाँ पे देखो एंगल से मेरे को मारने की ट्राई कर रहा है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इवन तो ये वाली क्लिप में देखो एनिमीज को मैंने यहाँ पे देखो उसमें गेट इन करके रखा है एंड यहाँ पे मैं मार रहा हूँ उसको भी नहीं लगा। और यहाँ पे मोली का डैमेज भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। लाइफ पे सर्वाइव कर लिया, जोन आ गया तो लैपटॉप पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप जोन पे आ जाओगे डायरेक्टली। तो ये वाला ग्लिच कर लिया ना, तो एडवांटेज के साथ साथ एनिमीज के साथ साथ आपकी स्कोर भी सो कर जाएगी। तो ये वाली ट्रिक पसंद है तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। 3.2 अपडेट में लेविट्रॉन, स्ट्राइडर एंड मेका के साथ आपको एक प्रॉब्लम होगी, जिसका मैं पूरा पूरा सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। इसके लिए आपको सेटिंग के कस्टमाइज बटन में जाना, स्पेशल व्हीकल में जाओगे तो मेका यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखो आपको कोई भी बटन यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, उसको आप चेंज कर सकते हो, तीनों को ऑप्शन मिलते हैं। ओके, तो यही था वीडियो। आई नो ये वीडियो छोटा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 3.2 अपडेट के बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। दिल से शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक देख लाइक कर लिया, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए मैं ट्रिक्स ढूंढता रहूंगा, ऐसे ही लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।